ठंडाई एक ऐसी ड्रिंक है जो आपको गर्मियों में ठंडा रखती है। ठंडाई के दो अहम इंग्रेडिएंट्स दूध और ड्राई फ्रूट इस ड्रिंक को काफ़ी रिच बनाता है, जिसकी वजह से आप इसे रोज़ तो नहीं पीना चाहेंगे, बट जो खास ओकेजन्स जैसे कि होली, महाशिवरात्रि पे इसे लोग ज़्यादा बनाते हैं। आज की जो रेसिपी है उसको क्रुएलिटी फ्री बनाने के लिए और साथ ही साथ क्रीमी बनाने के लिए सिर्फ हमने 70 रुपये बादाम के दूध का इस्तेमाल किया है, और जो इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। ठंडाई बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1/2 लीटर प्लांट बेस्ड मिल्क लिया है। इस रेसिपी के लिए हमने बादाम का दूध इस्तेमाल किया है। 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 3 से 4 छोटी हरी इलायची, 2 बड़े चम्मच खसखस के, 2 बड़े चम्मच मगज के, 1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च का, 2 बड़े चम्मच पिस्ता, 2 चम्मच काजू के, 2 चम्मच बादाम के, 100 ग्राम चीनी, थोड़ा सा केसर जिसे हमने पानी में भिगो कर रखा है। अगर आपके पास केसर घर पर नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच गुलाब जल का या गुलाब की पंखुड़ियाँ। सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से पीस लीजिए। आप चाहें तो पीसने के लिए मिक्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी आपका ठंडाई का पाउडर तैयार है। ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध में गुलाब जल मिलाएंगे, चीनी डालेंगे, भिगोया हुआ केसर डालेंगे और 2 बड़े चम्मच ठंडाई पाउडर का जो हमने तैयार किया है वो डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इस दूध को छन्नी की मदद से छान लीजिए। हमने जितने भी मसालों का इस्तेमाल किया है और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है वो अपने गुण इस दूध में छोड़ दें। इसके लिए हम इस दूध को 1 से 2 घंटे के लिए ढककर रख सकते हैं, पर अगर आपको इसको इमीडिएटली सर्व करना है तो आप इसको छानकर सर्व भी कर सकते हैं। सर्व करने से पहले आप इसे पिस्ता के साथ गार्निश कर सकते हैं, और अगर आप इसे ठंडा पीना चाहते हैं तो इसमें कुछ बर्फ की टुकड़ियां भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उनकी होली में भी थोड़ा और रंग आ जाए।